गुजरात के राजकोट स्थित मोरबी फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले 4 मजदूरों की मौत हो गई। इस खबर के बाद पीड़ितों के घर में मातम पसर गया है। ये सभी 4 मजदूर कटिहार के कोड़ा प्रखंड के नक्कीपुर गांव के रहने वाले थे। चारों की पहचान श्रवण कुमार, दयानंद महतो, मुकेश कुमार और बबलू कुमार के रूप में हुई है। इस मामले में कटिहार के जिला अधिकारी उदयन मिश्रा ने बताया कि गुजरात के मोरबी जिले के खेरवा गांव में संचालित एक निजी फैक्ट्री में देर रात बॉयलर फट गया। हादसे के वक्त फैक्ट्री में काम चल रहा था, उसी दौरान ये चारों इसकी चपेट में आ गए। अभी बिहार भवन के माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि गुजरात के राजकोट में एक बॉयलर ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कटिहार के 4 मजदूरों का निधन हो गया और 4 अभी घायल हैं। तो इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने के बाद मैंने राजकोट के DM और ADM साहब से बात की है। उनके द्वारा बताया गया है कि ये एक्चुअली राजकोट में नहीं पड़के मोरबी करके एक ज़िला है गुजरात का, उसमें पड़ता है। और उनकी जानकारी के अनुसार पोस्टमार्टम चल रहा है, पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि अभी अगले 10-15 मिनटों में मोरबी के जिला प्रशासन से वो मेरी बात करवाएंगे, और जब जानकारी प्राप्त हो जाती है कि कब उनकी डेड बॉडीज़ को यहाँ रवाना किया जाएगा, तो उस अनुसार हम लोग यहाँ पर उनको रिसीव करने और आगे की कार्रवाई करने के लिए हम लोग पूरी तैयारी अपनी कर रहे हैं। दरअसल बाढ़ कटवा से हर साल जूझने वाले इस इलाके के श्रवण महतो, मुकेश महतो, दयानंद महतो और बबलू सिंह 3 माह पहले पेट की आग बुझाने रोजगार की तलाश में गुजरात के राजकोट गए थे। कम पैसे जरूर मिल रहे थे, लेकिन जैसे तैसे पेट पालने के लिए राजकोट के खेरवा गांव में एक केमिकल फैक्ट्री में काम करने लगे। इस दौरान पीड़ित के परिजन जानकारी देते देते फपक फपक कर रो पड़े। आपके बेटे का क्या नाम है? श्रवण महतो। कितना दिन पहले गया था बाहर कमाने? सवा भादो में गया। गया। 8 साल से। 8 साल से वही काम करते हैं? हाँ। पूरा परिवार वहीं पर रहता है उनका? हाँ। तो ये घटना कब हुआ, जानकारी कब मिला आपको? कल हुआ। कल रात 8 बजे? हाँ। अच्छा, क्या हुआ कुछ पता है आखिर क्या हुआ वहाँ पे? अच्छा, वहाँ पे क्या हुआ कुछ जानकारी है आप लोगों को? मजदूरों की मौत के बाद एक बार फिर सुशासन बाबू पर सवाल निशान खड़े हो गए हैं कि आखिर बिहार से मजदूरों के पलायन का मुद्दा क्यों नहीं थम रहा है, जबकि सरकार के कोई न कोई मुलाजिम आए दिन इस मुद्दे पर चीख चीख कर शेखी बघारते नहीं थकते। कटिहार से राजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।